हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे जैसे कि ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था तो so, आज हम इस वाले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे देन हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे तो so, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट द प्रॉब्लम इज दैट टाइफ इज स्केल फंक्शन डेल्टा एफ इज थ्री प्लस टू एक्स वाई कैप मैंने थ्री वाई जी कैप द वैल्यू ऑफ एफ

प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर जी कैप अब इन दोनों को कंपेयर करें तो डी लेफ अपॉन डी लेक्स बराबर में आएगा थ्री प्लस टू एक्स वाई तो यहाँ से यदि हम एफ निकालें दिस विल बी थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सम कांस्टेंट बट लेट्स नॉट अज्यूम दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट देन अगेन डेल एफ अपॉन x y will स्क्वायर so माइनस के क्वेश्चनों का एक तरीका है जो भी कॉमन टर्म्स हैं, उनको हटा दीजिए उनमें से एक ही टर्म लीजिए और सारे टर्म्स जो अनकॉमन है उनको रख दीजिए जैसे कि यहाँ पे थ्री एक्स एक अनकॉमन टर्म है बट एक्स स्क्वायर वाई दोनों में है तो हम किसी एक को लेंगे तो प्लस एक्सर वाई माइनस अगले अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमें एक वेक्टर दिया है ए और यह एक सॉल्यून वेक्टर है देन हमको ए की वैल्यू निकालनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इन द कंडीशन ऑफ ऑफ वेक्टर विल बी जीरो सो लेट्स कैलकुलेट दिस डेल डेल अपॉन एक्स फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई थ्री वाई माइनस जेड डेल अपॉन डेल जेड टू एक्स माइनस ए जेड बराबर जीरो

इस तो मिनट फारेस्ट के लिए फंक्शन फाई सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन डेल्टा फ है सो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्योरिटिकल क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन डेल्टा फ हैज। सो so, रिल्टफाई की कंडीशन बतानी है कि उसका कर्ल जीरो है डाइव जीरो है क्या नॉन जीरो है ठीक है तो हमको पता है कि दैट इज़ अ लाप्लास इक्वेशन सो इसको अपन लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिल्टफाई uh, का डाइवर्जेंस जीरो है सो so, पहली कंडीशन हो गई कि डाइवर्जेंस इज ज़ीरो देन हम ये भी पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑल्सो जीरो सो यहाँ से हम कह सकते हैं सेकेंड कंडीशन कर्ल इज ऑल्सो जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा फाइव उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं हमको शो करना है डेल स्क्वायर आर एन एनस टू एन एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन सॉल्व uh, करेंगे डेल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इसको अपन लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन को अपन लिख सकते हैं एन आर की पावर एन माइनस वन आर कैप सिंपल इन पोलर स्पेरिकल वी अबाउट देम अब हम इसको uh, दो पार्ट्स में खोल सकते हैं Uh, that is simple uh, divergence rule like gradient of uh, n r power n minus 2 dot r cap plus n r e power n minus 2 delta r vector delta dot r divergence of uh, r vector uh, we have opened this from that formula divergence of divergence of uh, function and a vector. So it, this will be gradient of a function dot a vector plus function into divergence of a vector. From this formula we have opened that uh, equation. So then gradient of this um, will be, n n 2 r की पावर n 3 r कैप डॉट r कैप r वेक्टर सॉरी देर विल बी अ वेक्टर बिकॉज़ हमने यहां से एक r हटा दिया और एक r r r कैप को बना दिया r वेक्टर so, इसलिए यहाँ पे n 2 आया है इसलिए यहाँ पे n 2 है ठीक है उसके बाद एन एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री आर कैब डॉट आर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप आर वेक्टर वी कैन राइट लाइक दैट अपॉन डेल एक्स एक्स वाई वाई डेल जेड जेड इट विल बी थ्री सो हियर विल बी थ्री इनटू एन आर की पावर एन माइनस टू दिस विल बी हम इसमें से कॉमन लेंगे एन आर की पावर एन माइनस टू यहाँ पे बचेगा यहाँ पे एक आर कैप डॉट आर वेक्टर है तो यहाँ पे बचेगा एन एन माइनस टू प्लस थ्री एन तो so, यहाँ पे हम लिखेंगे n n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3n विच विल बी ओनली n सो so, n n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 2 सो so, हमको यही प्रूव करना था सो दैट विल बी द आंसर थैंक यू गाइस इफ यू लाइक द वीडियो देन subscribe and comment if you have any doubt okay guys bye